नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। हरियाणा में आज एक बड़े सियासी उलटफेर के बाद नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। नायब फिलहाल हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। सीएम मनोहर लाल का बेहद करीबी उन्हें माना जाता है और इससे पहले मनोहर लाल ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और इसके साथ ही प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही पार्टियों में मतभेद थे। जेजेपी के गठबंधन से हटने के बाद बीजेपी सरकार को निर्दलीय समर्थन दे रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कई जेजेपी विधायक भी बीजेपी के संपर्क में हैं और इसके साथ 4 ऐसे जेजेपी के विधायक थे जो कि शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए हैं। बहरहाल ये तो रही खबर की बात, लेकिन जो कुछ भी हरियाणा में हो रहा है उस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले कुछ सवाल आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि बीजेपी का जो ओबीसी कार्ड है 2024 में उनको कितना फायदा देगा? ओबीसी प्लस पंजाबी प्लस बिश्नोई क्या कोई रोक पाएगा? हरियाणा में कैप्टन बदला है, बीजेपी को क्या 10 में से 10 मिलेंगे? और जेजेपी के गठबंधन से हटने से क्या बीजेपी को फायदा होने वाला है? जाट वोट बंटने से बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। नेहा धवन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी की प्रवक्ता ज्वाइन इन कर चुकी हैं। विजय हंस जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। विपिन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए। रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और नेहा धवन आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, जाट वोटों का विभाजन हो, क्या पूरी की पूरी रणनीति हरियाणा सरकार में इस फेरबदल के साथ, कैप्टन के चेहरे के फेरबदल के साथ बीजेपी ने 2024 के मद्देनजर तैयार की है ताकि जो रिजल्ट आए वो 10/10 आ जाए? देखिए पूर्णिमा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह के कयास मीडिया अगर लगाना चाहती है या कोई और अपनी इस कैलकुलेशन को करता है तो वो स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी रणनीति इस तरह की कि हमें जाट वोटों को विभाजित करना है या हमें जाट वोटों को टारगेट नहीं करना है, ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी की कोई स्ट्रेटजी और प्लान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए काम कर रही है। पिछले लगभग 9.5 वर्षों से हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं हरियाणा को विकास की गति में तेजी जो अब आई है पिछले लगभग 9.5 सालों में, जो कि पुरानी सरकारों के समय में नहीं थी, वो सबने देखा है। वो बदलाव, वो परिवर्तन सबने देखा है। माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितनी भी सरकार चली पिछले 9.5 सालों में, उन्होंने गरीब, शोषित, वंचित लोगों के लिए जितनी जन कल्याणकारी नीतियां बनाई और उन नीतियों को लागू भी किया, बनाई भी, उन्हें लागू भी किया और उसके परिणाम भी आज जनता के समक्ष और हम सबके सामने आए। अब जब ये कमान नायब सिंह सैनी जी के हाथों में दी गई है तो केंद्र की तरफ से ये फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात इसी को नेहा धवन, इसी को हम दरअसल डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ। अभी अगर आप बीजेपी की बात करेंगे, 2024 का चुनाव नजदीक है, जाहिर है कि जो आपके अपने गठबंधन के साथी हैं उनको आप इंटैक्ट रखना चाहते हैं, लेकिन अचानक से ही आपका एक साथी आपको छोड़कर चला जाता है। 1 से 2 सीट मांगने वाली जेजेपी को वो 1 से 2 सीट भी आप लोग देने को तैयार नहीं होते। वजह क्या होती है कि जेजेपी आपसे अलग हो जाती है, पूरा का पूरा स्वरूप आपको बदलना पड़ता है, चेहरा आपको बदलना पड़ता है। कोई तो फायदा बीजेपी को इसमें नजर आ रहा होगा कि चलिए ये बदलाव करते हैं। और बीजेपी वैसे भी अपनी रणनीति में बहुत माहिर है, ये मुझे कहने की जरूरत तो है नहीं। हर चीज सोच समझ कर करने वाली बीजेपी इसमें अपना क्या फायदा देख रही है मैम? देखिए पूर्णिमा जी, इसमें सबसे बड़ा फायदा जो है वो यही है, मुझे लगता है, जिस तरफ हमें फोकस करना चाहिए, जिस विचार की तरफ हमें फोकस करना चाहिए, वो केवल और केवल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है वो अब आगे चल के नया देश, युवा देश है और युवाओं के हाथ में कमान सौंपी जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आपको इस तरह की चीजें देखने को मिली। उसी तरह आज हरियाणा में हमारा काम करने का तरीका और कांग्रेस संगठन के काम करने का या अन्य संगठनों के काम करने के तरीके में ये बहुत बड़ा अंतर है। और शायद यही एक अंतर है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती बाकी सब संगठनों से अलग हटकर नजर आती है कि हमारे यहाँ पर जो वरिष्ठ नेता हैं वो बहुत ही सहज भाव से अपनी आगे की जो कार्य प्रणाली है उसके लिए नए युवा साथियों को
आगे बढ़ने के लिए उन्हें अग्रसर करते हैं और वो सहजता हमारे सभी कार्यकर्ताओं के अंदर है, चाहे वो वरिष्ठ हो चाहे वो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं। देखिए आज नायब जी एक युवा चेहरे हैं और माननीय मनोहर लाल जी ने कितने सहज भाव से, सहृदय से, अपने सौहार्द्र से उन्हें अपने सामने ही अपनी जो है पावर्स को दूसरे को सौंपते हुए बिल्कुल और बहुत खूबसूरती से सत्ता हस्तांतरण किया है। सैनी साहब जा रहे थे शपथ ग्रहण करने तो पैर छू कर गए, जब शपथ ग्रहण वापस करके लौटे तो पैर छुए बहुत खूबसूरती के साथ। और ये सब जानते हैं मैम कि कितने करीबी सैनी साहब हैं मनोहर लाल खट्टर साहब के, ये सब जानते हैं और संगठन में उनका प्रभाव किस तरीके का रहा। जयहंस जी आपके पास आते हुए, बहरहाल इसी बीच में तो सीटों का ऐलान आपका हो रहा है, लेकिन हरियाणा में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर मेरी तो सीधी सीधी बात है, भले ही मैम इस बात को ना माने बीजेपी की, लेकिन बीजेपी के लिए सीधी बात है, हरियाणा में जाट डिवाइडेड होगा तो उनको फायदा मिलेगा। पिछले चुनावों में हमने देखा कि जाट वोट नहीं मिला बीजेपी को और ऐसे में एंटी जाट वोट को अपने साथ रखना कांग्रेस का, क्योंकि है जाट वोट, बीजेपी की इस पूरी रणनीति को कांग्रेस कैसे रीड आउट करती है, न सिर्फ अभी के लिहाज से चेहरा बदलने के लिहाज से बल्कि ओबीसी को केटर करने के लिहाज से भी, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए पूर्णिमा, वेलकम टू यू एंड थैंक यू टू यू एंड टू ऑल द अदर गेस्ट टू गिव मी दिस टाइम टू स्पीक। वेलकम टू यू सर। आपने अनाउंस जी, थैंक यू, आपने शुरू में बोला है कि सैनी साहब ओबीसी हैं तो इस वजह से शायद बीजेपी ने उनको चुना है सीएम बनाने के लिए, ओबीसी वोटर को टैकल करने के लिए। तो मेरी मांग ये है कि अगर वो ओबीसी वोटर है, जैसे कि अभी अभी नया नया मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश में सीएम बनाया गया है, छत्तीसगढ़ में शेड्यूल ट्राइब से सीएम बनाया गया है, तो क्या अभी मोहन यादव सैनी साहब और मोहन यादव जी कास्ट सेंसस लागू करवा देंगे? क्योंकि अभी मुश्किल से 3-4 दिन बचे हैं इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने में, 30 लाख वैकेंट पोस्ट हैं जिसका सबसे मेजर पार्ट मेजर फायदा होता है। आप कास्ट सेंसस पे कहां आ गए अभी आप कास्ट सेंसस पे कहां आ गए? मैं तो हरियाणा की सियासत की बात कर रही हूं सर। अभी मैं वही कह रहा हूं, सैनी वो तो आपके प्रोपेगेंडे में है ना सर। आप कहते हैं आप सरकार बनाएंगे तो कास्ट सेंसस कर देंगे, तो आप उस पर इंटैक्ट रहिए, बीजेपी को काहे क्रेडिट दे रहे हैं उसका कि कर लेगी तो बढ़िया हो जाएगा? मैम प्लीज लेट मी स्पीक। नहीं ठीक है, आप बिल्कुल बोलिए, यू आर मोस्ट वेलकम, इसीलिए आपको बुलाया है, लेकिन कास्ट सेंसस पर चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया है सर। कास्ट सेंसस पर चर्चा नहीं कर रहे हम लोग। मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए ना। हाँ तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं आपके सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ। आपने बात करी कि सैनी साहब ओबीसी हैं तो इस वजह से शायद उनको चुना गया है, तो ओबीसी मतलब मेरी 75 लाइनों में से आपने एक लाइन चूज कर ली अपने मतलब की सर। मैं भी अपनी बात रखूंगा ना, आप मुझे रखने तो दीजिए ना पूर्णिमा, प्लीज थैंक यू। तो क्या कास्ट सेंसस वाला लागू करना है? 30 लाख वेकेंट पोस्ट हैं जिसमें एससी एसटी माइनॉरिटी को सबसे ज्यादा, ओबीसी को सबसे ज्यादा उसमें गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं, वो लागू करवा दें? और 90 में से 3-4 सेक्टरी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ओबीसी से हैं, उनको पूरा करवा दें, क्योंकि ओबीसी सीएम बनाने से तो ओबीसी का कोई फायदा नहीं होने वाला। हमारे साथ हरियाणा के लोग हमारे साथ, जाट भी हमें वोट देंगे, पंजाबी खत्री भी हमें ही वोट देंगे, शेड्यूल कास्ट भी हमें ही वोट देंगे, ओबीसी भी हमें ही वोट देंगे। अच्छा, और सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल इलेक्शन 2024 इसीलिए 30% गए थे आप पिछली बार। मैम मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, जनरल इलेक्शन 2024 में 10 में से 10 सीट हम जीत रहे हैं और अगली विधानसभा इलेक्शन में हम 70 से 80 सीट तक जीत के हरियाणा में गवर्नमेंट हरियाणा कांग्रेस बना रही है। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ये काफी इलैबोरेटेड आपने मुझे बताया, मुझे थोड़ी आसानी हुई समझने में। विपिन शर्मा जी आपके पास आते हुए, बहरहाल ये जो हरियाणा में जो कुछ भी हो रहा है इसको आप कैसे रीड आउट करते हैं, और खास तौर से मैं इसको बीजेपी की स्ट्रैटेजी के लिहाज से समझना चाह रही हूँ, क्योंकि नया कप्तान मिल चुका है और डेफिनेटली जाट वोट बैंक को लेकर एक पशुपेश की स्थिति में बीजेपी रही है हमेशा से। ऐसे में ओबीसी चेहरा, जाट वोट बैंक का डिवाइडेड होना, दुष्यंत चौटाला का अलग होना, और ऐसे में आज 4 JJP विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होना, क्या वहां पर टूट आपको दिखाता है और ओबीसी वोट बैंक में पकड़ मजबूत करता है ये चेहरा बीजेपी का? देखिए आज के जो उलटफेर हुआ है तो मैं उसको ये बोलूंगा कि एक तीर से कई निशाने साधे हैं भाजपा ने, और सबसे जरूरी बात है, आवाज पहुंच रही है आपकी तरफ? जी बिल्कुल सर। एक तीर से कई निशाने मारे भाजपा ने, उनके संगठन ने, उनके आलाकमान ने, जो ये निर्णय लिया गया नायब सिंह सैनी का, उनको
मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो पहली बात यह समझनी चाहिए कि 2024 का जो चुनाव दस्तक दे रहा है, कुछ दिन दूर रह गया है, यहां पर भाजपा किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चयन होता है उम्मीदवारों का। ऐसा नहीं है कि टेकन फॉर ग्रांटेड, यहां पर परफॉर्म और पेरिश और समय रहते मामले का सुध लेना चाहिए, उसी को समझदार कहते हैं। ऐसा नहीं कि पानी सर के ऊपर से निकल जाए तब आप संज्ञान ले, तब बहुत देर हो जाती है। तो यहां पर जो फैसला लिया गया है कई फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए है। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है और वो थमा नहीं है यहां पर, और अगर जाट वोटों की बात करें वो अच्छे खासे नाराज है, वो अलग बात है कि यहां पर पंजाब की स्थिति अलग है, हरियाणा की स्थिति अलग है और किसान बाकी प्रदेशों में भी है। तो लेकिन यहां पर अगर हम बात करें, मैं एक बड़ी जरूरी बात बोलूंगा, मैंने अभी सुना दोनों प्रवक्ताओं को, यहां पर ये इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि सतलुज और यमुना नदियों का जो एक कैनाल है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, SYL कैनाल बोलते हैं, 214 किलोमीटर का, तो उसको लेकर भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है कि यहां पर जो पंजाब और हरियाणा के बीच जो पेच फंसा हुआ है। तो यहां पर ऐसी तमाम बातें हैं कि लीडर हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। लीडर जो नेता है उसका करिश्मा कितना बरकरार है कि यहां पर, और ये उतार चढ़ाव चलता रहता है कि ऐसा नहीं है कि आप पहले मनोहर खट्टर जी की बात करें, उनका अपना एक उन्होंने एक अच्छा खासा उन्होंने पकड़ बना रखी थी, तो अब यहां पर समय रहते स्थिति जब बदली और आला कमान ने इस बात का फैसला लिया कि यहां पर स्थिति को जायजा लिया, तो उन्होंने ये पाया होगा कि यहां पर कुछ अगर विधायक नाराज है या इस समय ओबीसी वोट को भी साधना है और किसान आंदोलन को भी मद्देनजर रखना है और बाकी बातें कि जो जो सपने अधूरे रह गए या चुनावी मैदान में 2019 में दिए थे उसमें वो सफल नहीं रहे मनोहर खट्टर, तो यहां पर सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मुझे लगता है बहुत अच्छा फैसला है और समय बलवान है, वो तो वक्त तय करेगा कि यहां पर उसका नतीजा क्या होता है। लेकिन एक बात है, क्योंकि जब अभी मेरे से पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे उन्होंने एक बात बोली थी, उनको साथ में मद्देनजर रखना चाहिए कि 2014 के चुनावों में क्या एक बहुमत जब स्पष्ट मिला भाजपा को और उसके बाद 2019 में और बड़ा प्रचंड बहुमत मिला, तो इसका मतलब साफ है कि भाजपा दोबारा रिपीट परफॉर्मेंस चाहिए। 2019 में बहुत कम सीटें, 2019 का वेतन नहीं लग रहा, आपने आंकड़े नहीं देखे, 2014 वाला ही आंकड़ा 19 में और बढ़ा के देख लिया आपके चश्मों ने। 2019 में 14 के तुलना में बीजेपी के सीटों की संख्या घटी, तो उसको बढ़ा के मत बताइए उसे भाई, जब घटी तो घटी, बढ़ी तो बढ़ी। सिक्के के दो पहलू क्या होते हैं, देखिए आप अगर एक नेता मास्टर स्ट्रोक चल रहा होता, खट्टर जी लगातार मास्टर स्ट्रोक चल रहे होते, तमाम समस्याओं का समाधान कर रहे होते, तो चुनाव के मुहाने के पहले उनको हटाने का ये जोखिम भारतीय जनता पार्टी को नहीं लेना पड़ता। वो एक असफल, उनका नेतृत्व असफल साबित हुआ, इसीलिए उन्हें हटाना पड़ रहा है। अगर 2014 में 282 सीटें लेके आई भाजपा, उसके बाद 303 देखिए मैं यही चीज कह रहा हूँ कि देखिए एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को यह पता था कि वहां पे जिस तरह से अभी किसान आंदोलन से वो निपट रहे थे, किसान आंदोलन से निपटने में तमाम तरह की चीजों में उनकी छवि काफी ज्यादा खराब हो गई है उनकी, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके प्रति काफी ज्यादा था। बीजेपी को कुछ एक तरह से अपने पुराने दिन याद आए उन्हें कि उन्होंने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल दिया था, वहां पे वो सफल हो गए, उनको लग रहा है कि उन्होंने गुजरात में भी मुख्यमंत्री बदला, मंत्रिमंडल बदल दिया, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर खत्म हुआ, तो वो एक पुराने फॉर्मूला पर चल रही है और उनको लग रहा है कि ये फॉर्मूला हम यहाँ पे भी चलेंगे और हमें लाभ मिलेगा। तो लाभ मिल रहा है ना, लेकिन राहुल लाल जी देखिए इसीलिए तो उस रणनीति पर काम हो रहा है। देखिए अभी मैं विधानसभा चुनाव पे टिप्पणी नहीं करूंगा, अभी मामले सामने में है लोकसभा चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी जस्ट सामने, लोकसभा चुनाव में इस रणनीति से फायदा होगा कि नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि देखिए बीजेपी जो घिसा पिटा रणनीति चल रही है अब वो आउट ऑफ डेट हो चुका है। ये घिसा पिटा रणनीति 2014 2019 2024 में आने वाले वक्त में बीजेपी जिसमें 400 पार की बात कर रही है, ये आपके सो कॉल्ड घिसे पिटी रणनीति के आधार पर कर रही है सर। अच्छा ये बता दीजिए, मैं तो पूछ रहा हूँ कि अच्छा 400 सीटों की गिनती बीजेपी कर रही है, बीजेपी को खुद ही अब अपने सहयोगियों पर भरोसा रहा नहीं, जेजेपी वगैरह को उन्होंने हटाना भी शुरू कर दिया है।
उन्होंने अपने सहयोगी दलों के लिए अभी तक कितना सीट रखा है, उन्होंने 30 सीट रखा है। उनके सहयोगी दलों में देखिए बिहार में नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री हैं, उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, तो उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला ये तो नहीं कि लोकसभा में हम जीत लेते हैं विधानसभा में मैनेज करेंगे। मुझे लग रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री चाहे जो भी दावा करें वो 370 का दावा करें, लेकिन प्रधानमंत्री 270 के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रैक्टिकल बात अगर हम लोग ग्राउंड पे करें तो उनके संघर्ष 270 सीटों के लिए हो रहा है कि 272 का भविष्यवाणियां गलत हुई है राहुल लाल जी, यहां पर बैठे बैठे सुन तो लीजिए। देखिए जितनी भविष्यवाणियां आपने यहां पर की हैं पिछली काफी गलत हुई और ऑन रिकॉर्ड तो मैं इसकी साक्षी हूं। आप सुन देखिए आप देखिए मतलब मैं बता रही हूँ आपको ऑन अ लाइटर नोट कि आपकी कई भविष्यवाणियां गलत रही। देखिए उस भविष्यवाणियां गलत हो सकती हैं, आकलन हम लोग जमीन पर करते हैं, लेकिन 40% का वोट शेयर जिस चुनाव में आप इशारा कर रहे हैं उत्तर भारत के 3 विधानसभा चुनाव में, वहां पर भी कांग्रेस के 40% वोट शेयर आए हुए थे। तो अब मैं यहां पे एक चीज कहना चाह रहा हूं कि देखिए इनकी रणनीति क्या है। इनकी रणनीति यह है कि देखिए खट्टर जी को भी जब लेके आए थे तो इनकी रणनीति यह था कि देखिए जाट वोटर्स की अब तक काफी प्रमुख भूमिका थी वहां पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि गैर जाट वोटरों की संख्या उससे ज्यादा है उसको बीजेपी के प्रवक्ता स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनकी रणनीति यह है कि हम क्यों ना जाट वोटों को बंटवारा कर दें और गैर जाट वोटों को हम एकीकरण कर दें। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली है उसका प्रभाव भी मानना पड़ेगा अभी बीजेपी के ऊपर कि उन्हें एक अब ओबीसी के तरफ उन्हें जाना पड़ रहा है। ये बाध्यता जो उनकी हो रही है वो राहुल गांधी के उस नैरेटिव के क्वांटम देने के लिए उनको इसमें रामकृपाल जी आप जरा ऐड ऑन कर पाएंगे, क्योंकि जितना मैं समझ पाती हूं बीते 2 सालों से एंटी जाट वोटों की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है और सिलसिलेवार तरीके से अगर आप देखेंगे 2016 में जाट आंदोलन हुआ उसका परिणाम और उसके बाद लगातार अब उसके बाद यह दांव चला गया, जाटों की नाराजगी क्या दूर करने की कोशिश किसी और तरीके से करेगी या एंटी जाट वोट बैंक पर फोकस करते हुए बीजेपी को लगता है कि 10 out of 10 की स्थिति पर वो आ सकते हैं। पूर्णिमा जी आपका सवाल मैं एक अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा ही समय मुझे आखिरी बार तो बीच में ना कोई बोले। आपका सवाल जो है मैं एक बात कह रहा हूं, बहुत दूर तो नहीं जाता लेकिन इंदिरा गांधी के जमाने से जब भी, पहली बात तो यह है कि मैं ये मान रहा हूं कि हम लोग अभी जो भी बात कर रहे हैं वो आने वाले लोकसभा की पृष्ठभूमि में कर रहे हैं, विधानसभा तो नवंबर दिसंबर में होगा उसकी बात में जी। आप देखिए चलिए बहुत पीछे का छोड़ देते हैं, 2014 17 19 22 23 इसमें जो भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा है वो किसी भी जातीय समीकरण, क्षेत्रीयता, धर्म, किसी भी आधार पर मुझे बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में वो कौन सा समीकरण है, कौन सी जातियां हैं जो 80% सीटें ला देती हैं, या मध्य प्रदेश में या गुजरात में जैसे हुआ 90% का स्ट्राइक रेट जा रहा है। देखिए ये जो हम लोगों का एक तरीका है ना पैमाना, जातियां, जयप्रकाश नारायण ने जब कहा था संपूर्ण क्रांति अब नारा है और उत्तर प्रदेश में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली थी तो क्या जाति चली थी। देखिए आप लोग 2014 में मोदी जी जब जीते थे पहला उनका भाषण जो लोकसभा में हुआ था उसकी एक लाइन मैं सुना रहा हूँ आप सबको याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मुझे सरकार बनाने लायक बहुमत तो मिलना ही था, मुझे उसमें कोई संकोच नहीं था, मुझे सरकार चलाने के लिए बहुमत मिल गया है लेकिन मुझे देश चलाने के लिए आप सबका साथ चाहिए। और मोदी जी का जो एक सूत्री कार्यक्रम है वो जो बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो मोदी को गाली देते उसमें समाते जा रहे हैं, वो लगातार जब आज आते आते उन्होंने देखिए 2014 से ग्राफ 19 में बढ़ गया और 19 से ग्राफ 24 में बढ़ने जा रहा है, आप चाहे जितने जातीय समीकरण जोड़ घटा लें लेकिन ग्राफ 2019 की तुलना में इस बार बीजेपी का बढ़ने जा रहा है, इस बात को आप लिख लें। और देखिए सीधी बात है, मोदी जी ने कहा कि देश के हित में अगर आप अपने चीजों को बदलने के लिए हमारी नीतियों पर चलने को तैयार हैं। मोदी जी देखिए इस देश की ब्यूरोक्रेसी तो वही है ना, मोदी जी ब्यूरोक्रेसी नहीं तो लेके नहीं आए, लेकिन जब लीडरशिप कहती है कि मेरे हिसाब से आपको चलना होगा तो किसी भी पार्टी का कोई भी बंदा हो अगर वो आज बीजेपी की छतरी के नीचे भाग के आ रहा है तो उसे मौसम का मिजाज पता है कि चीजें कहाँ जा रही हैं। थोड़ा सा तो मैं एक मिनट केवल मैं बात कर दूँ, हरियाणा में भी जो हुआ है
मैं आपको बता दूं 2014 में जब महाराष्ट्र और हरियाणा का इलेक्शन, रामकृपाल जी एक्चुअली एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी, 10 सेकंड बाद, हाँ मैं आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगी। लेकिन आपने जो भी बातें कही मैं पूरे उससे इत्तेफाक रखते हुए, लेकिन ये तो मैं कहूंगी कि फिर भी रणनीति तो ग्राउंड पर काम करती है ना। राहुल लाल जी ब्रेक पे जाना है। राहुल लाल जी भगवान राम को लेकर क्या चीजें नहीं की, प्लीज, उनको अगर उत्तर प्रदेश में गठबंधन में शामिल किया गया है तो क्या जाति समीकरण का भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं रख रही थी? ब्रेक के बाद मैं वही स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूँ। फिर चाहे आप मोहन यादव का चेहरा ले लीजिए, फिर चाहे यूपी में आप यादव सम्मेलन या बिहार में अमित शाह का पहुंचना देख लीजिए, छोटी छोटी रणनीति पर तो ऑन ग्राउंड काम होता ही है ना रामकृपाल सर। चीज कहूंगा, एक सवाल चेहरे का है। आप देखिए 2014 में जब मोदी जी आए थे तो पहला स्टेट इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र और हरियाणा का ही। उस समय दो नाम आए थे, देवेंद्र फडणवीस और खट्टर, दोनों नए थे, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद उत्तर प्रदेश का हुआ योगी जी, राष्ट्रपति में कोविंद जी आए, उसके बाद मुर्मू जी आई, अभी अभी हाल में 3 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं। कितने कितने बड़े नाम थे, चौहान, वसुंधरा राजे, कोई नहीं। सब कहते थे बड़ा ये हो जाएगा, वो जाएगा। देखिए एक बेसिक पॉलिटिक्स की चीज समझ लीजिए, होता क्या है जब आप कोई नया चेहरा लाते हैं तो उस नए चेहरे की आलोचना जीरो होती है उस समय, उससे अपेक्षाएं होती हैं और उसको अनपॉपुलर होने में 5 से 7 साल मतलब एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है। मेरा वही कहना है। और एक बात बताऊं, कितना भी पॉपुलर आदमी को लेके आइएगा, आप पूछिएगा तो कुछ ना कुछ उससे डिसेंट नाराजगी रहती है। तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दूसरी बात कह रहा हूँ, जैसे हमारे मित्र भी कह रहे थे कि ये जो राम वाली घटना हुई है, मैं फिर कह रहा हूँ 84 और 2024 में एक समानता है। 84 में एक दुखद घटना हुई थी, राजीव गांधी कोर्ट नहीं मिला था, इंदिरा गांधी की शहादत कोर्ट मिला था। दुखद घटना भी एक समाज को झकझोर सकती है और कोई सुखद घटना भी समाज को झकझोर सकती है। तो अगर 84-24 में रिपीट हो रहा है तो 500 साल का संघर्ष है और एक चीज हुई है। ये 84 और 2024 की तुलना नहीं, देखिए 84 और 2024 की तुलना संभव नहीं है। लेकिन जब राम मंदिर, नहीं राम मंदिर का राम मंदिर के मामला उसी दिन जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसी समय तक वो मामला था। वो उसके बाद तक तो राम मंदिर के मामले में भारतीय जनता पार्टी आलोचना के दायरे में कि भाई आपने नियमित समय पे आप मंदिर का भी निर्माण नहीं कर सके, आधे अधूरे मंदिर में पूजा पानी बहुत आगे बह चुका है। राहुल लाल जी मत करिए ना, उसकी आलोचना पर आपकी खूब आलोचना हो चुकी है, इसलिए मेरी आलोचना होती रही, उस पर खूब आलोचना हो चुकी है, उस आलोचना पर इसलिए उस पर नहीं जाते। देखिए अभी यहाँ पे 2-3 चीजें रखी गई, जल्दी देखिए रखेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि जातिगत चीजों पर इन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल देश भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होकर वोट देता है, उसमें कोई जाति समीकरण नहीं होता है। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का जाति समीकरण रखती है, वो अगर राहुल गांधी कहते हैं तब तो आलोचना करते हैं, प्रधानमंत्री ले आते हैं अपने 4 नए जाति ले आते हैं, लेकिन अभी उनके तमाम टिकटों को देखिए, सब कुछ को देखिए, वो उन भारी दबाव में और अभी अभी कांग्रेस का टिकट कट रहा है सर, फिर उसका एनालिसिस होने लगेगा तो आपकी वो पलट जाएगी। कांग्रेस तो अभी अभी कांग्रेस का टिकट कट रहा है, ये कहा मैंने हम सब पर पलट जाएगी, फिर अभी कांग्रेस तो डंके के टिकट पे कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी बेटी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं नया जी आपके पास आती हूं। विपिन जी विपिन जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? कोई बात नहीं नेहा जी, आप बेरोजगारी पे बात करिए ना प्लीज। क्या कह रहे हैं विजय जी आप? मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी पे बात करिए ना, उस पर अलग से चर्चा कर चुकी हूँ सर, उस दिन आप प्रवक्ता के तौर पर शामिल नहीं हुए, माफी चाहूंगी। गेस्ट कोऑर्डिनेशन को कह दूंगी कि अगली बार आपको रखेंगे जब बेरोजगारी पर चर्चा होगी। हरियाणा के आपको रखेंगे सर, जब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। मैम नेहा जी आपके पास आती हूँ, मुझे जरा ये बताइए कि थोड़ी देर पहले आप बड़ी आंकड़ों की वाहवाही लूट रहे थे, मुझे जरा ये बताइए कि जब राज्य में ब्राह्मण पंजाबी बनिया समाज का वोट बैंक है 19 से 30% का है, वो बीजेपी को जाता है, मैं हरियाणा सेंट्रिक बात कर रही हूँ सर, अभी 24 से 25% अगर पिछड़ा वर्ग का वोट है वो चला जाता है अगर बीजेपी को, तो कांग्रेस उस नंबर गेम को कैसे हासिल करेगी? और हरियाणा को लेकर लगातार ये कहा जाता रहा है कि वहां पर विपक्ष कमजोर है और वही बीजेपी को वहां पर मजबूती देता है। अंसा विजय अंश जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी, सवाल पहुंच पाया क्या? जी जी बिल्कुल, मैंने बात आपकी बात सुनी है। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप फार्मर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि जहां पर
फार्मर सिर्फ जाट है, जहाँ पे सैनी भी फार्मर है, जहाँ पे जाधव भी फार्मर है, जहाँ पे दलित भी फार्मर है, वो सब इससे अफेक्टेड है। मैंने फार्मर्स की सर स्पेसिफिकली बात नहीं की है, मैं वोट परसेंटेज की बात कर रही हूँ सबकी। आप पूरी बात नहीं सुनते ना, आप मुझे ब्राह्मण बनिया खत्री पंजाबी की बात कर रही है ना, तो मुझे भी अपना कंप्लीट कर लेनी। बोलिए, फार्मर्स अपना नाराज हैं, तो फार्मर्स में सिर्फ जाट नहीं है, फार्मर्स में सैनी भी है, फार्मर्स में यादव भी है हरियाणा के, फार्मर्स में दलित भी है, और उन फार्मर्स की जो फूड ग्रेन्स आते हैं उससे बनिया कास्ट भी अफेक्टेड है, क्योंकि सारी ट्रेड उनके हाथ में है। ठीक है, बनिया भी है, ब्राह्मण भी है। ठीक है नेहा जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि इसके बाद मुझे बड़ी खबर का रुख करना होगा, मेरे पास समय खत्म है। नेहा जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपसे। बीजेपी जी, देखिए मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगी कि विजय हंस जी का और हमारे राजनीतिक विश्लेषक जो यहाँ बैठे हैं उनका चश्मा थोड़ा अलग है, देखने का नजरिया कुछ और है। जो हमारे बीच पे वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी बैठे हैं उन्होंने बिल्कुल सही इस चीज को रिप्रेजेंट किया। जो लोग कह रहे हैं उनकी आवाज को सुनिए, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद पर कभी भी नहीं चलती। लोगों की आवाज को सुनिए, जातीय प्रधानमंत्री सबसे बड़ा ओबीसी नेता कौन है, प्रधानमंत्री जी का संसद में बयान है। प्रधानमंत्री जी तो अपने नए नए बयान देते रहते हैं, वो कभी कहते हैं जाति नहीं होती, कभी कहते हैं अमीर और गरीब जाति होते हैं।